हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसे 10 स्टॉक बताने वाला हूं जो आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न। अगर आप नहीं खरीदोगे तो मैं बोल रहा हूं रोते रोते थक जाओगे, लेकिन वो स्टॉक का प्राइस आपके हाथ में नहीं आने वाला। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बहुत बहुत ही शॉर्ट बनाने वाला हूँ और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल बनाने वाला हूँ। एक चीज़ मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि हमारे यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है। हाँ दोस्तों, एक दिन पहले बता दिया जाता है। यहाँ मैंने आपको बोला दोस्तों 10 ऐसे स्टॉक बताऊंगा जो आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न, मतलब कि दोस्तों जितना आप 5 साल में नहीं कमा पाओगे वो आप 2 से 3 महीनों में कमा लोगे, 2 से 3 महीनों के अंदर ही। तो जैसे कि आपको मैंने अपना ये दिखाया दोस्तों, प्लेटफॉर्म दिखाई यूट्यूब का, और देखिए जस्ट एक दिन पहले, यहाँ देख सकते हैं 22 आवर अगो, मतलब कि दोस्तों 24 आवर में हो जाएगा एक दिन। तो यस्टरडे इवनिंग को मैंने ये सेम टाइम पे वीडियो अपलोड किया था। चलिए ये वीडियो को मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। सॉरी दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट था। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों, ये है थंबनेल, थंबनेल के बाद ये है टाइटल। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने साफ साफ लिखा है ये गिरावट आपको बना सकती है करोड़पति, दोबारा मौका नहीं मिलेगा ये 10 शेयर में निवेश करने के लिए। और देख लीजिए थंबनेल भी मैंने बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया था आप लोगों के लिए। अब सबसे पहला चीज़ जो हम लोगों को देखना है दोस्तों, वो हम लोगों को क्या देखना है, पब्लिश डे, कौन से डेट में जो है वीडियो पब्लिश किया गया था। तो दोस्तों 12 मार्च को ये वीडियो पब्लिश किया गया था, और आज का डेट क्या है दोस्तों, आज है 13 मार्च, मतलब एक दिन पहले बताया गया था। ठीक है, और देख लीजिए लाइक, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर वीडियो खराब होता तो दोस्तों कम से कम 1% तो आपको डिसलाइक देखने को मिलता है। यहां पर देख सकते हैं 315 लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूं चलो भाई ज्यादा लाइक नहीं है, लेकिन ये बोलूंगा कि कंटेंट सही है। यहां पर डिसलाइक के मामले में देखोगे तो केवल 5 लोग हैं, मतलब कि दोस्तों 1% के आसपास भी नहीं है, मतलब वीडियो का जो कंटेंट है वो सही है। इसके अंदर जो स्टॉक बताए गए हैं दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चाहिए, उन्होंने पैसा बनाया नहीं, पैसा छापा होगा, मतलब कि दोस्तों डबल ट्रिपल जितना हो रहा करते जा रहे, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हो आपको रेड कैंडल से ज्यादा आपको ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर देखिए जब मार्केट गिर रहा था, देखिए जब झटका मारता गिरता, लेकिन दोस्तों जब बाउंस बैक लेना स्टार्ट किया तो यहां पर बीच में देखिए पूरा ग्रीन कैंडल है, यहां पर भी देख लीजिए ग्रीन कैंडल है, यहां पर भी ग्रीन कैंडल है, मतलब कि दोस्तों जब मार्केट बाउंस बैक लेना स्टार्ट करता है ना तो टाइम नहीं देता है। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टॉक है, ये कैसे होता वो मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक के बारे में आप सोच रहे हैं। अब देखिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, कर्नाटका बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जितने भी मैंने नाम लिए ये सबको एक साइड रखो और इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक साइड रखो। ठीक है, हाँ दोस्तों वो 10 और SBI एक बहुत बराबर है। ठीक है, अब अपने घर के आसपास देखो कौन सा बैंक का ब्रांच सबसे ज्यादा है दोस्तों। तो देखा दोस्तों, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत अच्छा बैंक है। मेरा देखो मेरे मैं जो बोल रहा हूँ वो वर्ड पे मत जाओ, मेरे भाव को समझने का कोशिश करो। मैं सीधे सीधे शब्दों में बताना चाहता हूँ दोस्तों कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत ही अच्छा, रेपुटेटेड और बहुत ही इज्जतदार बैंक है दोस्तों। ये स्टॉक का प्राइस 400 के आसपास से 200 पे आ गया है, मतलब कि दोस्तों ऐसे स्टॉक को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, ये मेरा भाव था। ठीक है, शब्दों पर मत जाइए। बैंक का ब्रांच सबसे नजदीक है, लोग उसी में जाना ज्यादा पसंद करते हैं, आसपास मिल रहा है। अब आप ही बताइए, मुझे बोलने स्टॉक बताने वाला हूं जो आप अच्छे पोजीशन बना के आप अच्छा से अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने दोस्तों बजाज फिनसर जैसे स्टॉक में अगर 1000 रुपये का डेली गिरावट होगा, अगर यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 815 रुपीज़ की गिरावट हुआ है, 9% की तकरीबन है। अभी जो मार्केट बंद हुआ है दोस्तों 7438 रुपीज़ लोएस्ट देख तो ले। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं 10 ऐसे स्टॉक बताने वाला था ये वीडियो में जो आपको बहुत ही बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट, जो आपको प्रॉफिट देने वाला था। देखिए मैं आपको वीडियो जो है आगे करके डायरेक्ट जो है सारे स्टॉक को यहाँ पर दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले कौन था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फिनसर, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, SBI लाइफ, ICICI, CTC, मतलब इतने अच्छे अच्छे स्टॉक मैंने आप लोगों को बताया था। तो दोस्तों ये वीडियो मैं आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा है दोस्तों। तो ये वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाइए, क्योंकि दोस्तों मैंने ये वीडियो पूरा नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने सारे स्टॉक के बारे में क्लियरली जो है एक्सप्लेन किया है दोस्तों, एलोबरेट करके एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो, आपका अंडरस्टैंडिंग पावर इंक्रीज हो। इसके लिए मैंने हर एक स्टॉक के बारे में जो है एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियो में एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। और थोड़ा सा वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेन पार्ट है। तो यहाँ पर मैंने
दोस्तों कुछ ऐसे शेयर हैं जिनको मैंने आपको चूज करके लाया जो फंडामेंटली टेक्निकली फाइनेंशियली हर एक तरफ से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर भी गिरावट हो रही है, मार्केट गिर रहा तो गिरावट हो रही है। मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो मौका है उसको हाथ से जाने मत दो, क्योंकि जितना भी आप मतलब 2 साल में या 5 साल में पैसा नहीं कमा पाओगे वो दोस्तों आप 2 से 3 महीने के अंदर ही कमा लोगे ये गिरते हुए मार्केट में। ये आप देख सकते हो बैंक निफ्टी जो 2500 गिर रहा है दोस्तों, जब आने वाले दिनों में जब ये 1000 करके 1000 1500 2000 करके ये जब ऊपर अपर सर्किट मारना स्टार्ट करेगा तब हम देखते के देखते रह जाएंगे और यही सोचेंगे कि काश मैं खरीद लिया होता। तो दोस्तों जितना पैसा आपने 5 साल या 2 साल में नहीं कमाया है वो 2 से 4 महीने में ही कमा लोगे। तो कौन से ऐसे स्टॉक है जिन पे आपको ध्यान रखना चाहिए? बजाज फिनसर फाइनेंस हो गया, एचडीएफसी बैंक दोस्तों, ये बहुत ही बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक है। आपको पता है भाई एचडीएफसी बैंक यहाँ पर देख लो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी अच्छे स्टॉक है आपको निफ्टी 50 में भी देखा आपने एक भी स्टॉक नहीं चला है तो यहाँ पर देख लीजिए एचडीएफसी बैंक हो गया, उसके बाद एसबीआई लाइफ हो गया। देखिए एसबीआई लाइफ दोस्तों बहुत ज्यादा तगड़ा सपोर्ट मारा दोस्तों। तो यहाँ पर देखा दोस्तों मैंने सारे स्टॉक के बारे में बताया और अपने पोर्टफोलियो में आप लोगों को दिखाया कि कौन से स्टॉक खरीदना है। स्टेट बैंक तो पहले कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके बाद दोस्तों मैंने सारे स्टॉक के बारे में यहाँ पर आप दिखा लीजिए, सब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों 13% नेगेटिव में है, 9% 7% 8% 7% 8% 5% सारे नेगेटिव में थे। यहाँ तक कि दोस्तों मार्केट भी बहुत ज़्यादा डाउन जोन में चल रहा था मार्केट, वो अगर आप देखोगे तो दोस्तों मार्केट कम से कम 2000 के लेवल पर जो है मार्केट गिरावट हो रहा था। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों 2900 मतलब कि दोस्तों 3000 पॉइंट मार्केट गिरा, तो मैंने ये वीडियो बनाया था। और जैसे कि मैं एक दिन पहले बता दिया करता हूँ कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, तो आज आपके सामने है। कल जब मैं वीडियो बना रहा था तो दोस्तों मार्केट नेगेटिव था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया माइनस नेगेटिव 13% था, आज आपके सामने प्लस पॉजिटिव है, देख सकते हैं कितना 13 है, ठीक है। तो अगर आपने कल खरीदा होता या मॉर्निंग में भी आपने खरीदा होता तो आपको प्रॉफिट ही नहीं, मैंने बोला था ना 5 साल का प्रॉफिट आपको कितने दिनों में मिल जाएगा दोस्तों? केवल 2 से 3 महीनों में। तो ये तो एक दिन का प्रॉफिट है 13% 4% 5% 4%, देखिए सारा स्टॉक जो है लाइन से, क्योंकि दोस्तों मैंने देख लीजिए वॉचलिस्ट नंबर 1 में भी था ये वीडियो, और ये जो स्टॉक मैं अभी भी आपको दिखा रहा हूँ वॉचलिस्ट नंबर 1 में, यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले मैंने कौन सा स्टॉक बताया था, यहाँ पर देख लीजिए स्टेट बैंक, बजाज फिनसर, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, SBI या ICICI, सारे स्टॉक यहाँ पर देख लीजिए कितना कितने अच्छे पॉजिटिव मूड में है। तो ये भाई जिन्होंने पैसा बना लिया बना लिया। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ अगर कल को मार्केट गिरावट होगा तो गिरावट होगा, लेकिन दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। और ऐसे स्टॉक को मैं एक चीज़ बोल दे रहा हूँ दोस्तों, ये जो मार्केट में गिरावट हो रहा है ना इस चीज़ को आप एक एडवांटेज में बदल दो। मैं बोल रहा हूँ आप जितना 5 साल में पैसा नहीं कमाए हैं आप कमा लोगे भाई, 2 से 3 महीनों में कमा लोगे, क्योंकि जो हर एक चीज़ को एडवांटेज मान के चलना चाहिए, अगर मार्केट गिर रहा है तो भी, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाले वीडियो तो आपसे नहीं मिस हो पाएगा। और एक चीज दोस्तों, मैं सारे स्टॉक के बारे में देख लीजिए, बजाज फाइनेंस भी 200 पॉइंट जो है नेगेटिव में था, अभी देख लीजिए पॉजिटिव में, ठीक है, वो जो मैंने आपको वीडियो दिखाया यस्टरडे वाला। और देखिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं दोस्तों, जो मैंने 10 स्टॉक को एक्सप्लेन किया था जो मैंने आपको वीडियो दिखाया, आप जाके सारे स्टॉक को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, तब आपको मैं बोल रहा हूं ये सारे स्टॉक खरीद लो नहीं तो पछताओगे, इतना रोगो इतना रोना आएगा आप लोगों को कि दूसरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी भाई ऐसे स्टॉक को खरीदने के लिए। मैं बोल दे रहा हूं लोग चाहते क्या है कि मुझे आईफोन मोबाइल मिले, कोई नोकिया सैमसंग वीवो ये सब नखड़ा है यार, ये सब नखड़ा, कौन खरीदना चाहता है नोकिया, कौन खरीदना चाहता है ओप्पो वीवो, कोई नहीं खरीदना चाहता। अगर उसके सामने हम आईफोन रख दे तो उसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं ये सारे आईफोन है भाई, ये सारे आईफोन है। हाँ इतना मैं आपको बोलूंगा ये आईफोन का दिन अभी खराब चल रहा है, ठीक है, ये आईफोन का दिन अभी खराब चल रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अच्छे अच्छे स्टॉक हमें कम से कम प्राइस पे मिले। अगर आईफोन का प्राइस कम हो जाएगा ना तो सब खरीद लेंगे, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक आपको जो है अच्छे अच्छे प्राइस पे मिल रहा है तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा भाई, सब लाइन से है, देख लो स्टेट बैंक, बजाज फिनसर फाइनेंस, HDFC लाइफ, ICICI, IRCTC भाई 1227 में मिल रहा है, अब क्या करोगे, इनसे अच्छा और क्या मिल सकता है, ठीक है। तो ये स्टॉक आप लोगों देख लिया, अगर आप चाहते हो कि गिरते हुए मार्केट में अच्छा से अच्छा प्रॉफिट बना सके दोस्तों, जम के प्रॉफिट कमाना है, जितना पैसा गया है लेकिन उसके बदले में हमें दुगना तिगना 4 गुना तक निकालना है, अगर आप हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हो, अगर आप हमारे पेड सर्विसेज लेना चाहते हो, तो ये जो नंबर है दोस्तों ये व्हाट्सअप का परमानेंट नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो सर्विस के लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो नंबर है दोस्तों ये नंबर कॉन्टैक्ट है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जिससे आने वाला वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा।
और डेली वीडियो अपलोड कर दिया जाता है दोस्तों। आप हमारे सारे वीडियोस के साथ पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हो, आप हमारे सारे वीडियोस के साथ पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हो। ये देखिए आपके सामने ये वीडियो आया दोस्तों, ये वीडियो में मैंने लिखा था अगर ये न्यूज़ सच हुआ तो येस बैंक आपको सिंगल डिजिट पर दिखेगा। ये देख लीजिए दोस्तों, सिंगल डिजिट पर 1 वीक का हुआ, मतलब दोस्तों 1 हफ्ते पहले मैंने ये वीडियो बनाया था। ये वीडियो जाके देखो कि मैंने कौन से डेट पर वीडियो अपलोड किया था, और 2 दिन के बाद ही दोस्तों येस बैंक ने 6 रुपीज़ मतलब 5 रुपीज़ को टच किया था, लोएस्ट प्राइस बनाया था। और इसका जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा था दोस्तों 29 रुपीज चल रहा था, सोच सकते हो कितना बड़ा नुकसान हुआ था। उसके बाद ये देख लीजिए दोस्तों, 10 का शेयर बम्पर, कमाई का शानदार मौका। ऐसे ऐसे स्टॉक यहां पर देख लीजिए मैं आपको ला के बताया था। आप हमारे सारे वीडियोस के साथ पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आपको बिलीव नहीं है तो। फिर मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक करके सबको बताइएगा कि हाँ कैसा है। अगर आपको नेगेटिव लगा तो भाई आप डिसलाइक करके भी लोगों को बताइए क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि पब्लिक है सब जानती है।